स्टेज स्टेज कहाँ पे? चलो ये श्योर पोस्टर, ये पेज हमारा ठीक है, ये पेज आ गया। पेज के बाद हम लोग जाएंगे मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट में हम लोग आज पढ़ते हैं ऑल टूल्स, ठीक है। ऑल टूल्स में एक्चुअली ऑल टूल्स में एक एंगेज ऑडियंस है, इम्पोर्टेंट है, और एक एडवर्टाइज मैनेज एनालाइज एंड रिपोर्ट एंड सेल एंड प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। अभी व्हाट इज एंगेज ऑडियंस? एंगेज ऑडियंस में क्या होता है? एंगेज ऑडियंस में आपका बिजनेस फीड, गेम स्ट्रीमिंग, इनबॉक्स प्लानर, पोस्ट एंड स्टोरीज, ठीक है। प्लानर और पोस्ट एंड स्टोरीज। इनबॉक्स मतलब देखो, अभी आपका ये पेज क्या है, डिजिटल दीपक एजेंसी, पेज का नाम है डिजिटल दीपक। सो ये पेज आपका, ये पेज का मोटिव क्या है? आपका डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो अगर कोई आपको चैट करेगा, मैसेज करेगा, तो यहाँ पे जो है ना, ये इज इनबॉक्स, आपको मैसेज आएगा, ठीक है। और गेम स्ट्रीमिंग, आप अगर आप कोई गेम खेलते हो तो यहाँ पे गेम स्ट्रीमिंग हो। तो गेम स्ट्रीमिंग में भी क्या होता है, एंगेज ऑडियंस होता है, क्योंकि ऑनलाइन गेम में क्या होता है, आप 4 5 6 जन खेल सकते हो, ठीक है। तो इट इज गेम स्ट्रीमिंग में भी आपको क्या होता है, एंगेज ऑडियंस होते हैं, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है 10 12 15 20 मिलकर आप गेम खेल रहे हो, ताकि जहाँ एंगेज ऑडियंस। और बिजनेस फीड मतलब कुछ अपडेट देखते हो बिजनेस रिलेटेड, जो बिजनेस फीड में क्या है, मेरे बिजनेस फील्ड में चलेगा, हम मैंने चलेगा तो चले। आपने ये देखो, डिजिटल स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये एक पेज है, तो आपका तो एक पेज है और ये भी आकर एक फॉलो कर रहे हो। तो ये जो डिजिटल स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कुछ अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपका बिजनेस फील्ड में, ठीक है। आप जो भी देखो, ये देखो बिजनेस पेज में डिजिटल स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पेज पर आपने लाइक किया है, तो ये जो अपडेट कर रहा है ना इस पेज में, ये आपको मैसेज आ रहा है, देखो ये अभी अपडेट किया है, और ये यहाँ पे सजेस्टेड फॉर यू, ये सब पेजेस हैं। आप अगर ये सबको फॉलो करोगे ना, ये अगर कुछ अपडेट कर रहे हो उनकी पेज में, फेसबुक पेज में, यहाँ पे आपको अपडेट आएगा, ठीक है। अभी देखो बिजनेस पेज में आपने देखो, ये देखो डिजाइन जबरदस्त है ना, तो ये सब उसने मतलब ये जो पेज है ना, ये जो अपडेट किया हो ना, आपको मैसेज आ रहा है, ठीक है। बिजनेस पेज में क्या हो रहा है पता चल गया आपको, बिजनेस पेज आल्सो ऑडियंस को एंगेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया बिजनेस पेज, गेम स्ट्रीमिंग, आप गेम खेलते हो तभी भी ऑडियंस एंगेज होते हैं। इनबॉक्स में आपको मैसेज कोई अगर भेजेगा तो इनबॉक्स में आपका मैसेज आएगा, ठीक है। जिस तरह मेरे को नजर कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे आएगा इनबॉक्स में आएगा, ठीक है। ठीक इनबॉक्स में आप यहाँ पे देखो, अगर कोई मैसेंजर में देखो, ये कोई मोहम्मद साकिब, उसने आपको साथ चैट किया है ना, मैसेंजर में चैट किया है तो मैसेंजर में आएगा, और इंस्टाग्राम में तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब फेसबुक कमेंट्स, अगर कुछ कमेंट्स किए हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कमेंट्स है, तो ये जो पोस्ट किया है ना आपने, इसके नीचे कोई कमेंट्स किया होगा तो आपका देखो ये कमेंट्स, ठीक है। और इंस्टाग्राम में अगर कोई कमेंट्स किया तो आप यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया। इनबॉक्स, इनबॉक्स एक क्या है, मैसेंजर हाँ, एंगेज ऑडियंस टूल है। इनबॉक्स, गेम स्ट्रीमिंग, बिजनेस फीड का पता चल गया, अभी प्लानर और पोस्ट एंड स्टोरीज। पोस्ट एंड स्टोरीज आपको पता है, पोस्ट एंड स्टोरीज में क्या होता है, हम अगर कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने देखो ये सब पोस्ट किया हो आपने, राइट, ये सब पोस्ट किया हो, ये समझ में आ रहा है, पोस्ट एंड स्टोरी, यहाँ पे है पोस्ट एंड स्टोरीज, ठीक है। देखो पोस्ट एंड स्टोरीज में आप क्रिएट स्टोरी कर सकते हो, क्रिएट रील कर सकते हो और क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। देखो स्टोरी आपने अगर कोई पोस्ट किए तो इट इज आल्सो क्या है, देखो अभी हम लोग पोस्ट करके देखते हैं,
यहाँ पे गया मैंने आपका ऑल टूल्स में पोस्ट एंड स्टोरीज में, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोस्ट एंड स्टोरीज में आपके पास तीन ऑप्शन है, क्रिएट पोस्ट। अगर आपने पोस्ट किया तो क्या होता है, एंगेज ऑडियंस होता है कि नहीं? इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना ऑडियंस एंगेजमेंट और अवेयरनेस, ये सुन लो। तो अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। अगर कुछ रील बना रहे हो तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। कुछ स्टोरी बना रहे हो तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। ये सुन लो, सो दैट इज एंगेजमेंट, ठीक है, पोस्ट एंड रील्स में। पता चल गया आप यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, आप एक क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट रील कर सकते हो, क्रिएट स्टोरी कर सकते हो। ठीक है, आप क्रिएट पोस्ट करना है तो क्रिएट पोस्ट करो। इससे पहले हम लोग पोस्ट कर रहे थे फेसबुक पेज में, और इस पोस्ट में क्या फर्क देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या होता है ना, यहाँ पे आप अगर आपके पास 10 पेज है, 10 12 15 पेज है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अभी इसको सेलेक्ट किया आपने, और फोटो ऐड करना चाहते हो, वीडियो ऐड करना चाहते हो, या टेम्पलेट रेडीमेड टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, देखो ऐड फोटो, देन यू कैन ऐड फोटो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ऐड फोटो ऑप्शन है, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो ऑप्शन था, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड फोटो, ऐड वीडियो, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, मतलब आपको कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो, और अपलोड वीडियो एंड एडिट फेसबुक ओनली, एंड क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज, आप इमेज लेके भी वीडियो बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? इमेज लेके भी वीडियो बना सकते हो, और यहाँ पे यूज टेम्पलेट, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो वीमियो का, आपको वीडियो टाइप्स क्या चाहिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? पोस्ट और पोस्ट डिटेल्स जो होता है ना, पोस्ट में टेक्स्ट को आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है ना, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलो पोस्ट करते हैं फोटो, ये हो गया पोस्ट। अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हो, स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, समझ में गया, टू नो मोर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे फीलिंग एक्टिविटी भी आप डाल सकते हो, मतलब ठीक है, और यहाँ पे आपका लोकेशन, एड योर लोकेशन, अगर यहाँ का लोकेशन डालना चाहते हो देन लिखो, ठीक है। और ये टू एड गेट मैसेजेस फिर आप यहाँ पे कर सकते हो, मगर यहाँ पे जैसे फोटो डाले हो तो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा। और ये होता है एबी टेस्ट, एबी टेस्ट मतलब टू क्रिएट एन एबी टेस्ट रिमूव द फीलिंग एक्टिविटी सेलेक्टेड। ये जो एबी टेस्ट में क्या होता है, दो पोस्ट कर रहे हो, दो पोस्ट साइमल्टेनियसली कर रहे हो, तो किस पोस्ट में ज्यादा से ऑडियंस एंगेज हो रहे हैं, किस पोस्ट को ज्यादा ऑडियंस एंगेज हो रहे हैं, मतलब देखिए दो पोस्ट किया, एक पोस्ट को 100 लाइक हुआ, एक पोस्ट को 50 लाइक हुआ, इससे पता चल जाए कि इस पोस्ट में क्या हुआ है, कुछ दमदार था। समझ में आ रहा है ना? दैट इज एबी टेस्ट होता है। क्या होता है? एबी टेस्ट। दो तीन चार पोस्ट किए, उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा पोस्ट क्या हुआ, अच्छा हुआ दमदार हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लिंक प्रीव्यू, टू प्रीव्यू लिंक, मतलब आपने यहाँ पे लिंक प्रीव्यू, अगर ये फोटो निकाल दे ना, ये काम करेगा, ठीक है। और अभी पब्लिश ना हो, ओके, पब्लिश किया मैंने, ये हो गया पोस्ट, समझ में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, जो बाकी सारे ऑप्शन आपको खुद को रिसर्च करना है, ठीक है। जो आज पोस्ट किया हमने, हो गया, चलो अभी ऑल टूल्स में पोस्ट एंड स्टोरीज के बारे में पता चला। अभी आगे से आप पोस्ट करोगे तो कुछ भी कहाँ जाके पोस्ट करोगे, बिजनेस सूट,
बिजनेस सूट में जाके पोस्ट एंड स्टोरीज जाके क्या करोगे, पोस्ट करोगे। यहाँ पे आप पोस्ट में क्या कर सकते हो, स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, रील पोस्ट कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। ये समझ में आ गया, ये ऑप्शन पता चल गया आपको। और ऑप्शन है प्लानर। ये प्लानर क्या होता है, देखो ये प्लानर है। प्लानर का मतलब क्या है, देखो आज आपने पोस्ट कर दिया, आप आज डिजाइन किए हो, 4, 5, 7, 10 डिजाइन किए हो, आप चाहते हो कि 26 को ऑटोमेटिकली, अभी कल 26 है, परसों 27 है, तो आप क्या करते हो ना, प्लानर में जाके, आप प्लानर में जाओ, प्लानर जाके ये 26 के लिए पोस्ट कर दो। ये टाइमिंग 10 बजे, मतलब अगर आपने अभी कुछ पोस्ट किया ना, कल 10 बजे क्या होगा, पब्लिश होगा, कल 10 बजे पब्लिश होगा। समझ में आ रहा है ना। ये देखो मैंने अभी ऐड फोटो किया, यहाँ पे ऐड फोटो डाल दिया और यहाँ पे लिखा स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डाल देना हमें। डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ये कब पोस्ट होने वाला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कब होने वाला, 26 जनवरी 10 AM कल 10 AM यहाँ पे है ना शेड्यूल। देखो यहाँ शेड्यूल आता है, पोस्ट नहीं ऑप्शन में आया शेड्यूल। अब वो बूस्ट पोस्ट मतलब क्या है, बूस्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हो उस पोस्ट को बूस्ट करना है तो अब यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। मे बी लेटर बोल दिया आपने, ये प्लानर कंटेंट प्लानर पता चल गया आपको, क्यों कंटेंट प्लानर का मतलब क्या होता है ना। चलिए अभी January 26 है, राइट, January 26 आपको पता है, January 26 आपको याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, या January 26 के दिन आप एंगेज होंगे या कुछ काम है आपको, प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो ये इससे पहले क्या होगा, January 26 जो है ना, वो एक बहुत बढ़िया दिन है, राइट, ये सुन लो। तो आपका पेज में 100, 200, 1000 लोग लाइक किए हैं या 2000 लाइक हुआ है, 5000 लाइक हुआ है, तो January 26 के दिन आप अगर कुछ पोस्ट नहीं करोगे तो आपका जो फॉलोअर्स है, पेज के जो फॉलोअर्स है, उन आप एंगेज हो सकेंगे। तो आप इससे पहले क्या करोगे, 26 के दिन पहले से ही क्या करोगे, एक पोस्ट सेटिंग करके रखोगे, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने के बाद क्या होगा, सबके पास मैसेज चले जाएगा, जितने भी आपका फॉलोअर है पेज का, सबके पास मैसेज चले जाएगा, ठीक है। अभी आगे आपका पूजा आ रहा है, सरस्वती पूजा आ रहा है, क्या है अभी, अभी अभी जो हमने पोस्ट किया है ना, कल 10 बजे वो पोस्ट होगा ना, वो तो अभी सबके पास जितने भी फॉलोअर्स हैं सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जो पोस्ट करते हैं ना। अभी मैंने कुछ आपने स्किल को लाइक किए, जो भी पोस्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन आता है, ठीक, तो कल 10 बजे जब पोस्ट होगा तब नोटिफिकेशन आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए तो प्लानर है ना, शेड्यूल से हम क्या किए, शेड्यूल किए, शेड्यूल मतलब वो टाइम में वो क्या होगा, पोस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आप चाहते हो तो चलो अभी Friday 27 को पोस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है, हो गया। अभी देखो और ऐसा भी हो सकता है, देखिए क्या होगा, देखो आपके पास ये जो प्लानर में एक फैसिलिटीज क्या है, आपने पेज बनाया है, ठीक है, पेज बनाया हो तो पेज में आपका ऑडियंस एंगेज है, ये सुन लो। जो आप हमने पढ़ा था कि हमेशा कस्टमर को एंगेज करना है, एंगेज रखना है, आपके पेज में कुछ ना कुछ पोस्ट होना चाहिए डेली बेसिस में, तभी कस्टमर एंगेज होंगे, ये सुन लो। तो आपने क्या किया, एक कंटेंट प्लानिंग करवा दिया, क्या हुआ, आज ये पोस्ट होगा, कल ये पोस्ट होगा, परसों ये पोस्ट होगा, उसके दिन ये पोस्ट होगा, पहले ही शेड्यूल करवा दिया। शेड्यूल मैंने पोस्ट नहीं दिखा रहा है, कहा दिखा रहे हैं,
तो आप फिर तो आप कोच अभी करोगे ना शेड्यूल, मतलब देखो हर कोई करना है, एक मिनट का मतलब नहीं होगा। हाँ होगा ना, हाँ जैसे भाई वो ये अब आप यही चीज रिपीट करना है आपको, अगेन 27 को ये सेलेक्ट करो, ये आ गया आपका कि बोल रहा है कि 27 तारीख को 10 बजे पोस्ट होना है। ओके सेव करो, फिर यहाँ से फोटो ऐड करो। करना पड़ेगा फिर। अब फिर अरे शेड्यूल मतलब क्या है, आपने किस दिन को ये किया यहाँ पे देखो ना, किस दिन करना रिपीट नहीं होगा वो अपने आप ही। रिपीट कैसे होगा, रिपीट तो नहीं होगा, ये प्लानर है। आप यही चीज क्या है, 27 को यही पोस्ट करना चाहते हो क्या, तो लिखना पड़ेगा सब कुछ, फिर कुछ अलग करना इसमें पड़ेगा। इसमें फैसिलिटीज क्या है, आप 27 को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हाँ आज कर दीजिए करके आप प्री बिल्कुल। प्लान करके रख सकते हो। ठीक है, मैं सोचा कि आपने आपने आप कंटेंट प्लानर कैसे होता है, कंटेंट प्लानर, ये कंटेंट प्लानर है। प्लानर मतलब आप पहले से प्लानिंग करके रख सकते हो, क्योंकि अगर आप आज 10 पोस्ट कर दिया ना, आज अगर आपने 10 पोस्ट कर दिया, यहाँ पे 25 है, 25 में सॉरी 10 10 पोस्ट डाल दिया आपने, तो 25 को 10 पोस्ट हो गया। 26 को आपने एंगेज बहुत हुआ क्या आपके कस्टमर के साथ, आपका ऑडियंस के साथ आपने एंगेज हुआ क्या, आपका एंगेज नहीं हुआ, तो आप हर रोज एंगेज होना चाहिए ना, हर रोज कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए ना। तो आपने अगर सोच रहे हो कि आगे मुझे मेरा 10 दिन छुट्टी लेना चाहते हो या 10 दिन और कुछ काम है, तो आप आज कल क्या पोस्ट होगा, परसों क्या पोस्ट होगा, उसके दिन क्या पोस्ट होगा, 10 पोस्ट क्या कर दिया आपने, शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट होते जाएगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट होने के बाद क्या होगा, आपका कस्टमर के साथ आप एंगेज हो सकते हो, दैट इज कंटेंट प्लानिंग। और सेम चीज तो नहीं होने वाला है ना। अब एक काम, ठीक है, ये जो हमने पोस्ट किया है, सॉरी ये जो पोस्ट किया है ये क्या है, ये फ्रीडम मतलब जनवरी 26 का थीम है, राइट। अब सरस्वती पूजा आ रहा है, तो सरस्वती पूजा के लिए यही थीम रहेगा क्या आपका, समझ में आ रहा है ना। हम क्या है, जो फेस्टिवल आता है ना उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, थीम बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर आपका जो कंटेंट प्लानर इसलिए रुक करते हैं हम लोग, फेस्टिवल के हिसाब से हमारा थीम चेंज हो जाएगा, पोस्ट थीम चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, दैट इज कंटेंट प्लानिंग। समझ में आ गया आपको, ये इंगेज ऑडियंस में पता चल गया क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पोस्ट एंड शो स्टोरीज। अभी आगे आप कभी भी पोस्ट करोगे तो डायरेक्ट बिजनेस शूट में आके पोस्ट एंड स्टोरीज में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, क्रिएट स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब आपने कुछ करके रखा है मगर पोस्ट नहीं किए, दैट इज ड्राफ्ट। आपने कुछ किया हुआ है, कर रहे हो और वो पूरा नहीं हुआ, हाँ बनाता तो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में देगा, ड्राफ्ट में आपको दिखाई देगा ना। तो हाँ यहाँ पे होता है ना, अगर आपने उसको ड्राफ्ट करवा दिया, चलो क्रिएट पोस्ट किया आपने, क्रिएट पोस्ट करके सेव एज ड्राफ्ट कर दिया आपने, चलो आप ये देखते हैं प्रैक्टिकली, हेड फोटो कर दिया हमने, ठीक है, और हमने किया कुछ भी लिख दे, कुछ भी थोड़ी ना हम लिखते हैं, आपका ध्यान नहीं है क्या, कुछ भी लिख दो, हमेशा ऐसे कुछ मत करो जैसे आपका ब्रांड खराब हो जाएगा। स्टार्ट योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग, क्यों मतलब डिजिटल दीपक एजेंसी इटसेल्फ पे ब्रांड, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका ब्रांड खराब हो रहा है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अभी आप क्या करते हो, इसको सेवेज ड्रॉप करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है पब्लिश ना हो कर दिया तो पब्लिश अभी हो जाएगा, स्केड्यूल करना है तो स्केड्यूल कर सकते हो, प्लानर में जो प्लानर हम ऑप्शन है वहां पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप स्केड्यूल कर सकते हो, आप कब इस पोस्ट को कब पोस्ट करना चाहते हो, अदरवाइज सेवेज ड्राफ्ट कर दिया आपने, सेवेज ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, सेवेज ड्राफ्ट किया और सेव किया। चलो ये आपके ड्राफ्ट में आया, देखो अभी पब्लिश नहीं होने वाला है, ये पब्लिश हुआ क्या, नहीं हुआ, ड्राफ्ट में आ जाओ। चलो है ना, समझ में आएगा ड्राफ्ट का ऑप्शन। अभी आप चाहते हो इसको एडिट कर सकते हो, जब आपका पोस्ट पूरा है नहीं हो पाया, कभी कभी हाँ यार 2 महीने होंगे, नहीं, वो इसका ना कंटेंट प्लानर का है ना
अब जनवरी है ठीक है, और ऐसे जनवरी के बाद आप अगर जाते हो होगा ना के नहीं दो मंथ का ये हाँ ज्यादा नहीं देगा नहीं क्या है ऑप्शन ठीक है समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन है कब तक का नहीं, एक महीने का प्लानर होता है क्या शेड्यूल शेड्यूल पोस्ट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम यहाँ पे देखो, ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है ठीक है। देखो कैसे होते हैं, देखो ये प्लानर में जाके आपने क्या किया, यहाँ पे दो महीने का आप प्लान कर सकते हो ठीक है। ये हो गया ना शेड्यूल हो गया, पता चल गया आपको ऑप्शन पता चल गया, हमने प्लानर के बारे में पता चल गया, पोर्ट एंड स्टडीज पता चल गया, इनबॉक्स गेम स्ट्रीमिंग बिजनेस स्पीड क्या होता है पता चल गया ठीक है।